नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन ने सभी के जीवन को प्रभावित किया है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है। शिक्षा से जुड़ी एक खबर अंबाला से सामने आ रही है। इसमें स्कूल के अध्यापक स्कूल खोलने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। को फाउंडर ऑफ KBP स्कूल की अध्यापिका पूजा बिष्ट ने से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि जो किंडरगार्टन स्कूल है वो बच्चों की नींव है। यदि नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आने वाले बच्चों का भविष्य कैसे होगा, इस बात से हम सभी भली भांति परिचित हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि छोटे बच्चे जितना अच्छे से स्कूलों में सीख सकते हैं उतना ऑनलाइन क्लासेस में वो नहीं सीख सकते। ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए इतनी प्रभावी सिद्ध नहीं होती है। ऑनलाइन शिक्षा तभी कामयाब है या तो छोटे बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी बैठें, लेकिन आजकल पेरेंट्स वर्किंग है इसलिए ऐसा संभव नहीं है। ऑनलाइन क्लास का बच्चों की लिखावट पर ही नहीं उनकी मानसिक स्थिति पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों के माता पिता का कहना है कि वो फीस तभी देंगे जब बच्चे स्कूल जाएंगे। स्कूल को ये भी समस्या आ रही है कि यदि अध्यापक ऑनलाइन क्लास दे रहा है तो उसकी सैलरी भी देना जरूरी है और सैलरी तभी दी जाएगी जब बच्चों के पेरेंट्स माता पिता को फीस देंगे। ऐसी स्थिति में बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूलों को खोलना और भी ज़्यादा अनिवार्य हो गया है। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। सर पूजा बिष्ट, को फाउंडर ऑफ KPB किंडरगार्टन। सर जो KPB किंडरगार्टन स्कूल्स हैं वो नींव है, बच्चों की नींव रखती हैं। अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आगे कैसा भविष्य होगा हम सब जानते हैं। और दूसरा, जो बच्चे छोटे बच्चे हैं वो जितना सेफ स्कूलों में रहते हैं और जितना अच्छे से स्कूलों में सीखते हैं उतना ऑनलाइन में उनके लिए उतना प्रभावी नहीं हो पा रही है शिक्षा, क्योंकि वो इतने छोटे हैं या तो पेरेंट्स उनके साथ न बैठे, और सभी पेरेंट्स क्योंकि आजकल वर्किंग में हैं तो वो भी बच्चों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो बच्चों की लिखाई पर ही नहीं बल्कि मानसिक संतुलन पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, पेरेंट्स ये बोलते हैं कि स्कूल खोलेंगे तभी फीस मिलेगी। स्कूल को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि बच्चों के लिए अगर टीचर ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं तो उनको सैलरी देनी ही है, और सैलरी कहाँ से आएगी अगर पेरेंट्स फीस ही नहीं देंगे, तो इसलिए स्कूल खुलने बहुत जरूरी है। हम ये चीज़ नहीं नकार सकते कि ऑनलाइन शिक्षा जो है दी जा रही है बच्चों को, पर क्या हम जब खुद एज अ टीचर हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है कि हम बच्चों को नहीं ठीक से पढ़ा पा रहे, तो हम ये कैसे मान लें कि बच्चे जो है सही से पढ़ पा रहे हैं। एज अ टीचर हमारी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि हमने लेक्चर दिया और हम क्लास से चले गए। वी आर द फ्यूचर बिल्डर्स, हमें बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना है, और अगर स्कूल इसी तरह से बंद रहे तो बच्चों का फ्यूचर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो हमारी सिर्फ यही मांग है कि हो सके तो स्कूल जल्दी से जल्दी खोले जाएं, और जो भी नॉर्म्स रहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के वो हम फॉलो करेंगे, ये हम आपसे एश्योरेंस हम आपको देते हैं। थैंक यू सो मच। कोविड के कारण जो है 2 साल से अधिक समय अगर मैं कहूँ तो ये 3.5 वर्ष से ऊपर जो है समय हो चुका है, और प्ले वे स्कूल पूर्णतः बंद है, एक दिन के लिए भी नहीं खुले जब तक, जबकि केंद्र सरकार भी जो है फाउंडेशनल एजुकेशन की बात कर रही है। नई शिक्षा नीति में जो है 3 साल से ऊपर बच्चों की एजुकेशन की बात पर बहुत जोर देने की बात कही गई है कि यहीं से नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, लेकिन नींव पूर्णता जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। बच्चे अक्षर ज्ञान भूल गए हैं, उनकी मानसिक दशा भी जो है वो भी जो है खराब होती जा रही है, और सरकार बिल्कुल खामोश बैठी है। सरकार एक तरफ अब बात कर रही है कि आंगनबाड़ियों को स्मार्ट स्कूल में तब्दील किया जाएगा, और जो ऑलरेडी स्मार्ट स्कूल चल रहे थे बहुत बेहतर काम जो है बच्चों की फाउंडेशनल एजुकेशन में कर रहे थे उनको पूर्णतः बंद रखा गया है। तो इसीलिए आज प्रदर्शन है कि सरकार के कान खोले जाएं और नन्हे मुन्ने बच्चों की पुकार उन तक पहुंचे कि भी हमें भी शिक्षा का अधिकार है, उनका भी शिक्षा का अधिकार बनता है, उनके भी विद्यालय खुलने चाहिए। तो आज आप देख रहे होंगे सारे प्ले वे स्कूलों का जो फेडरेशन की इकाई है वो आपके समक्ष आज सारे प्ले वे स्कूल एक सिंबॉलिक प्रदर्शन कर रहे हैं कि स्कूलों में जो है कोविड का ऐसा कोई खतरा नहीं है, और अगर आप डेटा को भी उठाकर देखें तो नन्हे मुन्ने बच्चों पर जो है शिक्षा का प्रभाव ज़्यादा नज़र आ रहा है कि शिक्षा की वजह से उनका ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कोविड की वजह से ऐसा उनका कोई नुकसान नज़र नहीं आया। हम भी जो है फैमिली वाले लोग हैं सारे, तो ये नहीं है कि हमें बच्चों की सुरक्षा की चिंता नहीं है, लेकिन बच्चों की शिक्षा भी साथ ही जरूरी है, सुरक्षा भी जरूरी है, तो शिक्षा भी उनके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो सरकार प्ले वे स्कूलों से स्कूलों को खोलने की बात करे,
वो स्कूल खोलती है, नौवीं से बारहवीं की बात करती है, और जब शिक्षा नीति की बात आती है तो फाउंडेशनल एजुकेशन से बात करती है। और फाउंडेशनल एजुकेशन में न्यूमरेसी और फंक्शनल एजुकेशन की जो बात पे पूरा जोर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ प्रैक्टिकली जो है प्राइवेट स्कूलों को बंद करके नई शिक्षा नीति को बिल्कुल खत्म करने की जो योजना बन रही है, तो हमारी सरकार से मांग है कि इन प्राइवेट स्कूलों को तुरंत प्रभाव से दूसरे स्कूलों के साथ खोला जाए। देखिए, सरकार को अब कंसीडर करना पड़ेगा। पहले स्कूल संचालक बात कर रहे थे, आज अभिभावक बात करने लग गए हैं, अदरवाइज सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने एक सर्वे भी कराया जिसके अंदर अभी ट्रिब्यून ने भी प्रकाशित किया, आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी प्रकाशित किया, तो जो प्लेवे के अभिभावक थे उनकी सबसे ज़्यादा राय आई कि उनके बच्चों के स्कूल खुलने चाहिए। और ज़्यादातर जो अभिभावक है वो वर्किंग भी है, उनके लिए ये भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है, बच्चों की सेफ्टी भी, कि वो जब अपने कार्य पे जाते हैं तो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़कर। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।